अंबिकापुर में 2 महीने से लापता राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप का शव पानी की टंकी की नींव से बरामद हुआ है। पुलिस ने मुरैना गांव में स्थित जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी की नींव खोदकर शव को बरामद किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल दीपेश 7 जून से लापता था, तो वहीं इसकी शिकायत परिजनों ने सीतापुर थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन लापता दीपेश का सुराग नहीं लगा और उसके बाद 21 जुलाई को परिजनों ने आदिवासी समाज के साथ मिलकर थाने में ही धरना दिया और ठेकेदार पर दीपेश का अपहरण करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की कार्रवाई करते हुए यहां पर शव को निकालने में कामयाब हुई। जब संगठन सामने खड़ा हुआ, यहाँ तक कि FIR तक नहीं लिखा जा रहा था लोगों का, परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका FIR नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे FIR लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है, तो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है और आज हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जो मुख्य आरोपी हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। अब इसमें ये देखना है कि बाकी जगह तो खूब अपराधियों के घर में बुलडोजर चलता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासी के साथ, युवा के साथ अत्याचार हुआ है, उसका हत्या हुआ है, उसको दफना दिया गया था, उन अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, अब ये देखना है सही में न्याय उनके साथ होता है कि नहीं होता है। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुम इंसान कायम हुआ था, 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जाँच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में, और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुम इंसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइम ऑफिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है, उसकी मृत्यु हुई और इस पर्टिकुलर जगह पे मैन पार्ट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया। इसमें अभी तक 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में है, 2 की तलाश चल रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है।